भोपाल में आरवी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यशाला फार्मेसी के छात्रों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए रखी गई थी, जिसमें विभिन्न जिलों से कॉलेज के शिक्षक और छात्र शामिल हुए। आरवी साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी विषय पर एक दिवसीय प्रायोगिक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में राजेश डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई से आए मुख्य अतिथि और मुख्य मेंटर साइंटिस्ट डॉक्टर सीएस सेंथिल कुमार ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया को विधिवत क्रियान्वित करके सभी छात्रों को समझाया। कार्यशाला में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से सरफराज हनफी ने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कर प्रक्रिया से अवगत कराया। आरवी साइंस के संस्थापक डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने बताया कि ऐसी प्रायोगिक कार्यशाला छात्रों को किसी भी तकनीक के समस्त पहलुओं से अच्छी तरह अवगत कराने के लिए बहुत आवश्यक है। इस कार्यशाला में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश से 100 छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया है। आज हमने एक दिन का वर्कशॉप रखा हुआ है, जिसमें कि तमिलनाडु से एक साइंटिस्ट आए हैं जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बता रहे हैं। आरबी साइंस बेसिकली फोकस करता है कि हम लोग प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखा पाएँ, क्योंकि देखा जाए तो अभी कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है कि हम थ्योरी तो सीख पा रहे हैं, बट फार्मेसी जो एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, जिसमें कि यदि हम प्रैक्टिकल्स नहीं सीखेंगे तो आगे जाके वो अच्छा फार्मासिस्ट नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली जो आरबी साइंस है वो फोकस कर रहा है कि अच्छे से रिसर्च हो पाए, प्लस हम अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिकली इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना सिखा पाएँ और प्रैक्टिकली वो अच्छे से डीपली सीख पाए। और कोविड के बीच में तो अभी ऐसा हुआ है कि बच्चा लैब से बहुत दूर हो गया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा किसी तरह तो लैब से अटैच्ड हो और अपना थोड़ा सा आउटपुट दे सके। आज बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट किया हमने कि एक नॉर्मल सी पालक, स्पेनिश कहते हैं जिसे हमें, उसमें कितने सारे कंपाउंड्स होते हैं। हमने बच्चों को वो कंपाउंड सेपरेट करके दिखाया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, और उनके डिफरेंट फ्रैक्शन सेपरेट करके दिखाए कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो इससे बच्चों ने ये सीखा कि एक सिंपल सी पालक में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह ड्रग डेवलपमेंट किया जाता है, हर पेड़ में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसी एक कंपाउंड में होती है। तो उसको सेपरेट करके हमने आज बच्चों को डेमो दिया। आरबी साइंसेस ने बहुत अच्छी पहल की है, जिससे बच्चों को कम से कम ये टेक्निक सीखने मिल रही है। अदरवाइज बच्चा एम फॉर्म पढ़ के निकल जाता है, उसको इस टेक्निक से ज्यादा एक्सपोजर होता है। वहीं इस दौरान छतरपुर से आए शिक्षक और छात्रों ने आरबी साइंस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा आरबी साइंस एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, जहां बच्चे सभी तरह की मशीनों का उपयोग कर पूरी जानकारी ले सकते हैं, हर एक केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझा जा सकता है। वहीं सह संस्थापक प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा ने बताया कि आरवी साइंस छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, छात्रों को इसके माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा जब भी छात्र जॉब या किसी कंपनी में जाएंगे तो उन्हें हर चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जिससे वे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी को दे पाएंगे। जी देखिए, जब मैंने टीचिंग फील्ड छोड़ी थी तो मैं बेसिकली इसी चीज़ से त्रस्त था कि अब छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिलता है। तो मैंने जब अपनी रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर चालू किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, तो हमारा उद्देश्य यही रहा कि जो चीज़ इंस्टीट्यूट्स नहीं दे पा रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, वो किसी तरह से हम स्टूडेंट्स को दे सकें। तो हम बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं तो हम डेमोन्स्ट्रेशन पे कम बिलीव करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर बच्चा वो जब वो टेक्निक वो खुद करेगा तो वो उसके बारे में अच्छे से समझ पाएगा। तो हम हर बच्चे से वो प्रैक्टिकल इंडिविजुअली कराते हैं, तो उस प्रैक्टिकल से उसको एक कॉन्फिडेंस आता है। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडस्ट्रीज़ में मिलते हैं, जो कॉलेज में अगर हो भी तो कॉलेज उसको छूने नहीं देता है, क्योंकि दे कॉस्ट अराउंड 20-25 लाख। तो हम उन इंस्ट्रूमेंट्स पे भी बच्चों को एक्सपोजर देते हैं और बच्चों को इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने देते हैं। इससे जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है और सही रिज़ल्ट उससे ला सकता है। तो हमारा उद्देश्य यही, और हम चाहते हैं कि अगर 100 बच्चों में से एक बच्चा भी हमारे पास आता है और वो सीखता है तो हमारा उद्देश्य इसमें पूरा होता है। तो आज जो हमारा वर्कशॉप है ये ज़रूर एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप है, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट आए हैं वो तमिलनाडु से आए हैं और हम लोग इस चीज़ को अच्छे से नहीं जानते। तो वो CSIR लैब के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं और अराउंड 20 लैब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने ट्रेनिंग इसी सब्जेक्ट पर हासिल की है। तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि हर बच्चे को इंडिविजुअली करा सकें, तो आज इसीलिए हमने ये सेशन डेमोन्स्ट्रेशन का रखा है। फिर भी उनकी ये कोशिश है कि हर एक बच्चा कम से कम उस पूरे प्रैक्टिकल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको अपने आप आके करे। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आरबी साइंस लेबोरेटरीज भोपाल में, जिसमें मिश्रा सर, ऋषभ मैम बहुत डेडिकेटेड के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे आए हैं, 12-13 बच्चे आए हैं। ये लैब इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इतनी क्वालिफाइड है,
कि नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई भी बच्चा इवनली ऑल ओवर इंडिया से अगर बच्चा कुछ भी सीखना चाहता है फार्मेसी फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर अस कि बहुत अच्छी वर्कशॉप्स है। CDRI से, चेन्नई से साइंटिस्ट आए हुए हैं, तो जो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसकी बात है। मुझे यहाँ आने का बहुत बड़ा एक अच्छा योगदान मिला है अपने प्रिंसिपल सर के द्वारा, जो कि TLC और कॉलम क्रोमेटोग्राफी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है। हम लोगों ने आज SN सेंथल कुमार सर, जो कि RB वहाँ पे रिसर्च सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में सीखा, TLC के बारे में भी सीखा, उससे जो नॉर्मल पालक है उससे स्पेनिज के द्वारा कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट्स निकाले जाते हैं वो सीखा, उनमें कौन कौन से कलर के ऊपर स्टडी करने के बाद पता चला कि उससे कौन कौन सी ड्रग को अलग किया जा सकता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।